वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। ये देखें सुबह सुबह कितनी प्यारी सी धूप किचन में आती हुई, और मैं भी जस्ट किचन में आई हूँ ताकि गर्म पानी थर्मस में रख लेती हूँ। सारा दिन इजी होता है यूज़ करना, बार बार किचन में आना नहीं पड़ता। और आप भी आज मेरे साथ किचन में होंगे क्योंकि मैं कुछ टिप्स बताऊँगी, नूडल्स की रेसिपी शेयर करूँगी और बहुत सारी अच्छी अच्छी आपके साथ बातें भी होंगी। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच, आप सभी का इतना प्यार इतना सपोर्ट होता है, तभी मेरी कोशिश होती है कि हमेशा अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेकर आती रहूं। और इसी तरह प्यार देते रहें, सपोर्ट करते रहें, मुझे आपके कमेंट्स का हमेशा इंतज़ार होता है। और जो चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को आप भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलती हूँ। नूडल्स के लिए मैंने लिया है सोया सॉस, चिली सॉस और पनीर, और कुछ वेजिटेबल्स मैंने लिया है, मटर, गाजर, प्याज, हरी मिर्च, शिमला मिर्च। आपके पास जो वेजिटेबल्स हो या पसंद हो उसे यूज़ करें, बाकी आप स्किप करें, अपने फेवरेट वेजिटेबल्स कुछ भी आप डालें। बहुत ही ये ज़बरदस्त नूडल्स रेडी होगा। सारी सब्जियों को आप कट कर लें और इसे सिर्फ 40% ही कुक करें। प्याज सौते कर लें, उसमें सब्जियां डालें, नमक और थोड़ी हरी मिर्च भी मैंने डाला था। और इस तरह वेजिटेबल्स रेडी हो जाए। नूडल्स बिल्कुल उसी तरह हमें बॉयल करना है जिस तरह हम डेली का राइस बनाते हैं, डेली का चावल, यानी नमक के साथ पानी में उसे बॉयल कर लें नूडल्स को, फिर ड्रेन कर लें। और नूडल्स याद रहे सिर्फ 80% ही हमें बॉयल करना है, वरना वो स्टिकी हो जाएगा। अब सारी सब्जियों को नूडल्स के साथ इस तरह एक फ्राइंग पैन में मिक्स कर लें, और चूंकि दोनों में सॉल्ट है तो कोई मुश्किल नहीं, सोया सॉस, चिली सॉस, टोमेटो सॉस अब डाल दें इसमें और मिक्स करें। और जो पनीर है उसे अलग से बिल्कुल हल्के से तेल में सौते कर लें, और फिर लास्ट में पनीर मिलाकर मिक्स कर लें। बिल्कुल ईजी है, लगभग 20 मिनट में ये रेडी हो जाता है। बहुत क्विक से रेडी होता है, टेस्ट लाजवाब होता है, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखें कितना ज़बरदस्त है, बिल्कुल स्टिकी नहीं है, अलग अलग सा है और गज़ब का बहुत ही शानदार टेस्ट था। और आज की मेरी एक टिप है फ्रेंड्स, ज़रूर यूज़फुल आपको लगेंगी, ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। छिलका, पराठा, डोसा, ये सारी चीज़ें बिल्कुल रोटी की तरह सॉफ्ट हो जाती है और टेस्ट बेकार हो जाता है। तो हमें करना क्या है, जैसे ही हम गरम-गरम इसे निकालें तो डायरेक्ट प्लेट में ना रखें बल्कि किसी कटोरी के ऊपर रखें, तो ये बहुत ही क्रिस्पी होगा और टेस्ट जो है कई गुना ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, बिल्कुल क्रिस्पी हो जाएगा। तो इस तरह करें और गरम-गरम ही सर्व करें। तो मैंने बनाया है आलू भरा पराठा और सूजी का छिलका, बहुत क्रिस्पी रेडी हुआ है। और वीडियो अच्छी लगी हो अगर फ्रेंड तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगले वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ मुलाकात होती है, तब तक अपना अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखें और मुझे दें इजाज़त।